नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुमार थानवी वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग.com से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जैसे सिंगिंग में ऑटो ट्यून करते हैं, सिंगर को सुर में लाते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, क्या वैसा ही वॉइस ओवर में, डबिंग में, रेडियो में, स्टोरी टेलिंग में, नरेशन में, इनमें भी होता है, क्या एडिट में हेल्प ली जा सकती है? तो इसका एक क्लियर आंसर है अ बिग नो, NO। ओके, क्योंकि सिंगिंग, ऑटो ट्यून, म्यूजिक ये एक अलग चीज है, वॉइस ओवर डबिंग अलग चीज है। हालांकि दोनों ही चीजें सेम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की जाती है और हो सकता है सेम ही सॉफ्टवेयर में वहां पे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हों। बहुत सारे कॉमन ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें वॉइस ओवर डबिंग भी करते हैं और म्यूजिक का काम भी करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर और डबिंग में कोई ऑटो ट्यून नहीं होता है। ओके, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, अगर आपका कोई उच्चारण गलत आया है तो गलत ही सुनाई देगा। अगर आपने कोई चीज, कोई एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दिया है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ओके, सॉफ्टवेयर थोड़ी बहुत हेल्प कहां कर सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर कुछ ज्यादा ही लंबा पॉज ले लिया है उसमें थोड़ा एडिट करके कम, या कम पॉज लिया है थोड़ा एडिट करके बढ़ाना है ना, अगर स्पीड बहुत फास्ट है थोड़ा सा स्लो करना है कर सकते हैं, स्पीड बहुत स्लो है थोड़ा सा फास्ट करना है कर सकते हैं। अगर ज्यादा भी हम सॉफ्टवेयर की मदद, सॉफ्टवेयर का हेल्प लेंगे तो बहुत अजीब लगता है। ओके, थोड़ा बहुत 2-3-5% मैक्स टू मैक्स हेल्प ले सकते हैं वॉइस ओवर और डबिंग में, लेकिन इसको कृपया करके आप सिंगिंग के ऑटो ट्यून से कंपेयर ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।